अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज यहाँ पे है 6th रोज़ा और आज है 7 अप्रैल। तो बस आज हम सुबह में गए हुए थे किसी काम से, काफ़ी गर्मी थी बाहर, काफ़ी सर में दर्द भी रहा मेरे पूरा दिन। लेकिन खैर, मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कि क्या काम था, किस काम से हम जा रहे हैं या किस काम से हम गए थे। तो फ़िलहाल अभी होने वाला है तकरीबन 10 मिनट रह गए इफ्तार में और आज हमने ऑर्डर किया है रोमांसिया से खाना। आज कुछ भी फ्राइड आइटम खाने का दिल नहीं कर रहा था और घर पे बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो बस फटाफट से ऑर्डर कर दिया था रोमांसिया से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आई है, इनकी डील है फॉर 2 पर्सन। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी 2 लोगों की डील है जिसके अंदर है ये 2 जूस हैं, 2 पानी की बॉटल्स थी, साथ में ये इनके पास होता है ये सूप होता है, इसके अंदर ओट्स होते हैं और ये देखें इसमें दलिया होता है, इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट वाला होता है ये, इसमें टमाटर वगैरह भी डले होते हैं, थोड़ी स्पैगेटी भी होती है, तो ये अच्छा होता है। ये वैसे 2 थे उसके अंदर, इन्होंने 1 दिया लेकिन ये बड़ा है क्योंकि हम लास्ट टाइम जब ट्राई करा था तो ये छोटे में देते थे, आई थिंक इन्होंने इसको 1 में एडजस्ट कर दिया। साथ में इन्होंने दी हैं खजूरें, खजूरों के 2 पैकेट्स दिए हैं और इनकी डील में हैं समोसे भी हैं, समोसे भी बड़े अच्छे होते हैं इनके। तो 4 समोसे थे लेकिन इन्होंने यहाँ पे 6 समोसे दिए हमें, अब पता नहीं क्यों दिए लेकिन दे दिए 6 समोसे। और इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर है मंदी, हमने मंगवाए पेशावरी राइस विद ग्रिल चिकन। तो बस अभी थोड़ी देर में जब मैं इसको खोलती हूँ ना ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके बाद दिखाती हूँ। आप सब खैरियत से होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज है यहाँ पे 7th रोज़ा और जुम्मे का दिन है, रमज़ान का पहला जुम्मा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, फल फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो हमारे घर के करीब में है अलराया, तो बस वहीं जाते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हैं। ये भी हम ले रहे हैं केले, केले हमेशा थोड़े हरे हरे लेने चाहिए ताकि थोड़ा लंबा चल सके, हैं थोड़े से येलो और थोड़े हरे हरे, पूरे येलो येलो, ये भी बहुत महंगा चल रहा है। वैसे तो ये 3000-4000 किलो मिल जाता है लेकिन आज मिल रहा है 100-150 किलो। ये है रमज़ान की सारी डेकोरेशन, वही भाई इसने कर दिया रोना शुरू कि मुझे गोद में ले लो। यहाँ से हमने लिया है कुनाफा, ये है क्रीम वाला कुनाफा है और ये वाला जो है ये है बनाना के साथ। तो आज क्रीम वाला तो पहले ट्राई कर चुके हैं, बनाना का तो फर्स्ट टाइम करेंगे, तो देखते हैं कैसा लगता है। बस हमने यहाँ पे
ग्रॉसरी कर ली है, बस उसकी बिलिंग कर रहे हैं और फिर घर जाते हैं। और आज जो है वो मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स की बिरयानी, तो अगर हुआ तो मैं उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। चले चलते हैं, बस हम यहाँ से निकल गए, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा, तो चलें बस अब घर चलते हैं। पाकिस्तान में भी गर्मी है, यूरोपीय भी है, यहाँ पर भी अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने प्रॉन्स को अच्छी तरह साफ़ करके धो के और मैंने इस पर नमक और हल्दी लगा के मैंने रख दिया है, बस आधे घंटे में लगे रहने दूँगी इसको, मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। यहाँ पे प्याज को मैंने गोल्डन करने के लिए रख दिया है, जैसे ही अच्छे से गोल्डन हो जाएगी तो उसमें से मैं कुछ प्याज जो है वो निकाल लूँगी दम पे लगाने के लिए, बाकी इसी में रहने दूँगी। यहाँ पे जो प्याज है गोल्डन हो रही है, वह थोड़ी देर रहती है। प्रॉन्स को मैंने अच्छी तरह से धोकर मैंने इसको मैंने पानी निकालने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें काट ली हैं, लेमन जूस जाएगा इसके अंदर और साथ में स्लाइसेस भी काट लिए हैं। और यहाँ पे मैंने पुदीना भी निकाल लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे इसमें लहसुन पीस लिया और यहाँ पे मैंने टमाटर काट के रख लिए हैं। और मैं यूज़ करूँगी शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और साथ में आप टमाटर भी डाल दिए इसमें, अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने रख दिया, इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के, टमाटर थोड़े से इसमें गल गए तो अब मैं इसमें मसाले का पूरा पैकेट डाल दूँगी। हरी मिर्च, अब इस खाने का टेस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि मेरा हाथ थक गया है। तो कहते हैं कि हाथों में टेस्ट आता है, खाने में टेस्ट नहीं। अब मैंने इसमें दही भी डाल दिया है, तो बस मैं आप इसको पकने रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। मैंने ऑयल लेके फैटन में और मैंने प्रॉन्स को डाल दिया है, अब मैं इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए बस मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी कि इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा और इसमें से जो पानी है वो निकल जाएगा। मैं यहाँ पे चावल जो है वो भी बॉयल हो रहे हैं, मैंने बासमती लिए हैं। तो ये देखिए मैंने प्रॉन्स को जो है वो फ्राई कर लिया है और उसका जो एक्सेस जो भी इसमें थोड़ा सा जो मैंने ऑयल डाला था वो और साथ में थोड़ा जो उसमें से पानी है जिसमें से इसकी सारी स्मेल वगैरह होती है वो सारी साइड पर हो गई है। बिरयानी का जो मैंने मसाला तैयार किया मैं उसको इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने इसमें प्रॉन्स डाल दिए हैं, मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं इसको ढक्कन ढक के मैं इसको दरमियानी आँच हल्की आँच पे, हल्की सी थोड़ी जो तेज़ आँच होती है उस पर मैं इसको रख दूँगी। मैं थोड़े से इसमें मैंने लेमन जूस डाला है और इसके बाद में हम ये इसमें मैं आलू बुखारे डाल दूँगी। ये देखें बिरयानी का जो मसाला है वो हो गया तैयार, अब बस मैं इसको लेयर कर देती हूँ और मैं एंड रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ।
ये थी हमारी आज की अफ्तार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये प्रॉन्स की बिरयानी। इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।